है, देखो अकेले चल कर ये, रुको दिखाता हूँ आपको, देखो देखो यहाँ तक है ये भाग रहा है। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज बुधवार और अभी फिलहाल हो रहा है सुबह के 8 बज रहा है एंड फाइनली फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ मैं। एंड आज ही कोई मौसम उछता ही ऐसा है, मैं 2 दिन मौसम बिगड़ा था, अभी फिलहाल सब बारिश जैसा फिर हो रहा है। एंड सब बाबू सब चले गए पढ़ने के लिए, आज एग्ज़ाम चल रहा है अभी तक उसका, तो एग्ज़ाम देने गई ये मौसम, और बाबू तो सो गया है अभी तक उठा नहीं, चलो मेरा लोग सब आ जाए, इन लोग को भूख लगा, रुको हम देते दाना इन लोग को। सो गाइस, इन लोग का ये दाना है एंड इससे हम इसमें करते हैं पास, दाने डाल दिए, देखो खाएंगे लड़ लड़के। अरे उधर जा, उधर 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 उधर, अरे उधर जाना रे गोपाल, चलो अब डाल दिए भैया, उठे मिला आदत बिगाड़ दे रहा हूँ इन लोग को, कभी वो कभी हम ज़्यादा डालेंगे। अरे पूरा मुश्क तैर दिया है, पूरा मुश्क तैर दिया है, पूरा खराब कर दिया इसमें। फिर से मोदी में ये चाय के लिए चाय का बस वहाँ रेडी हो चुका हूँ दुकान पर जाने के लिए। कुछ इस तरह से मेरा ड्रेस अप हैट वही सेम, और अब निकलते हैं दोपहर सो के लिए, ये लाइफ चल रहा है। अब देखते हैं रिजल्ट मेरा कब आएगा, 12 का 12 का रिजल्ट आएगा तो सो मालूम चला कि मुझे कहाँ पढ़ने जाना है बोलकर, तो अभी तक रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया तो वही बेंगलोर, रिजल्ट ख़राब आया तो नेपाल में ही रहूँगा, कोई उतना मेरा मतलब सोचा नहीं हूँ। अगर रिजल्ट ख़राब आ गया भाई देवे तो सोच रहा हूँ कुछ दूसरी चीज़ करने के लिए, अगर रिजल्ट अच्छा है तो बेंगलोर जाने के लिए पढ़ने के लिए, देखो क्या होता है। इसमें तो बाइसेप टाइट लगता है, बाइसेप ढीला हो गया अभी फिलहाल, चलो चलते हैं। घर पे आ चुका हूँ मैं और वहाँ ड्रेस भी चेंज हो गया है मेरा, और जा रहा हूँ भूख लगा मेरे को। क्या चीज क्या चीज कहा है ये चीज, तू क्या करेगा तू, देखते हैं पाव रोटी एक नहीं, पाव रोटी और चाय भी खाने का मन कर रहा है, पानी गिर रहा है ना मैंने की एकदम वेस्ट हो रहा है, चलो पाव रोटी हो जाएगा इतने में। मम्मी ने आज एक चीज बनाई थी बोलो ये खत्म हो गया, ये वाला चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मैं फेवरेट है ये। बहुत खाता हूँ मैं, माँ बा बना दे। खाओ टीवी में, भूख लगे इन लोग को भी, नहीं यार दूंगा तो खराब हो जाएगा ना, इन लोगों का डाइटिंग टाइम है, कभी कभी माया आता है इन लोग पर, माया लगता है देता हूँ कभी कभी, फिर खा लगता है नहीं, इन लोगों का भी डाइट होता है। गूगल पर सर्च किया लिख रहा था चाटू मछली हो तो 8 ही दाना डालने के लिए, वो भी 2 टाइम, सो मैं तो बहुत ज़्यादा ही डाल दे रहा हूँ, 9 है मछली और 50-60 दाना डाल दे रहा हूँ मैं, ज़्यादा डाल दूँगा खराब ही करेगा उन लोग को भी, बहुत बहुत मछलियाँ तो खाने के चलते ही मर जाती है, छोड़ के नहीं डालूँगा उतना। निकल रहे हैं घूमने के लिए, सो जा रहा हूँ बाजार में घूमने के लिए, और क्या करो घर में उसी टाइम से हो, देखो क्या कर रही है, क्या कर रही हो तू, तू कहाँ है, अरे तेल है, तू जान क्या कर रही है, हम बोला तेल है, तेल से खेल रही है, पानी है, हो सकते हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, चलो चलते हैं। वो बिस्कुट क्यों ना खा रहा है पापा इसे, चल चलो आराम से आराम से, फिर मौत गिर जाइए, सो चलते हैं बाजार में। बाजार में आज हाल में ऐसा चप्पल स्लीपर लगाया हूँ ना, बहुत लोग नीचा देख रहे हैं, जय श्री राम। ये हमारे छोटा सा मोट बवाल है,
फिर घूम रहे तो आ रहे हैं। हाँ फेसबुक पे भाई हम वीडियो फेसबुक पर डालते हैं। सो गाइस वही जगह मिलेगा देखने के लिए हरदम आप लोग को। और ये पट्टा पहलवान गबरू चंडीगढ़ रहने वाला है लड़का, ये चंडीगढ़ रहता है चंडीगढ़। आए हैं हम फिलहाल फील्ड देखने के लिए कि क्रिकेट फील्ड कैसा है अभी फिलहाल। देख रहे पानी लग गया है और सुन रहे हैं कि यही सैटरडे को फाइनल मैच है बोलकर, और बारिश हो ही जा रहा है। हमको लग रहा है इसी बारिश में क्रिकेट होगा, अब बताओ इतिहास बदलेगा। परसोनी अबे इधर से आबे, काहे को इतना मशक्कत कर रहा है बे, उर्दू बोल रहे हैं बे हम, अब कहाँ से जाएगा, अब तो चारों तरफ से घेर लिया हमको तेरे। हाँ जा दिमाग ला, दिमागी लाल का हालत वही होता है। चलो यार इधर बालू है, बालू धंसेगा थोड़े ना, दल दल थोड़े ना बना है, इधर बालू है, सिंपल सा बालू है। ये इंसान के गोड़ के पंजे से ज़्यादा हमको तो जानवर के पंजे लोक रहे भाई। चलो ये काम तो अच्छा किया है ये लोग, तिरपाल से तोप दिया है फील्ड को पीछे को कि कोई नुकसान ना हो बोलकर। पिच तो सही सलामत अभी बच ही गया है, कुछ इस तरह से लोक रहा है पिच। एंड हम भी सोचें हम भी इसको कुछ प्रॉब्लम हानि नहीं करेंगे, काहे को करना बेचारा खेलने वाला पिच है यार। बट इस पर खेल कैसे होगा हमको समझ नहीं आ रहा है, पूरा बालूट माटी है। सियार के बच्चा भाग रहा है, आई थिंक नज़र ना आ रहा होगा, कोशिश करता हूँ दिखाने को। वो देखो तीन ठो सियार के बच्चा है यार, बड़ा बड़ा हो गया है। और उसकी माँ अब निकल रही है इधर से खल, कुछ कहानी बना खर हिल गया। उधर 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 है, उधर हाँ आ रही है, आ रही है, इधर है, सामने ही है, सामने ही है। जूम कर ले, जूम नहीं होता है क्या, हो रहा है ना। यही ये है उनकी माँ, ये बड़ी वाली है, और नहीं एक माँ है और एक उनके पिता है, दो है ये लोग, दो बड़े हैं और तीन छोटे हैं। वाह यार अब देखो ना चाचू आओ तो सब कहा दे। देखो तीन तो उधर है भाई, इन लोग का पूरा मतलब झुंडी है ना ये, सच बात है। इन लोग का रुतवा ही कुछ अलग है, हाँ झुंड में जाते हैं, आते हैं जाते हैं भाई। इन लोग में कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग होता है, तुमको मालूम है कि नहीं, पढ़े हो कि नहीं इन लोग के बारे में। देखो अकेले चल कर ये उनको दिखाता हूँ आपको, देखो देखो यहाँ तक है ये भाग रहा है, जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, समझ रोड पे जाएगा तो बेचारा मर जाएगा वो चढ़ा के। वो हमारे तरफ ही देख रहा है, चलो चलते हैं। उतनी टाइम हो गया अब, रात हो गई, इधर नदी किनारे और ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए ना रात के समय।